हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, इसमें कुछ अपडेट्स हैं जो आपके यूपीएचएससी का एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 है उसको लेके अभी क्या चल रहा है पोजीशन। पिछले क्या है, एक वीक से थोड़ा एमपी का एग्जाम था असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसी पे पूरा फोकस था। आपका भी एग्जाम होगा जब पूरा फोकस इसी पे रखेंगे। अभी इसका वापस ही शुरू कर रहे हैं, वैसे टेस्ट सीरीज चल रही है इसकी। अब वापस से कल से इसको रूटीन में शुरू कर देंगे, वापस से जो रेगुलर टेस्ट मिल रहे थे आपको वापस मिलने लग जाएंगे। इसमें एक अपडेट तो यह है, शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेंगे स्थायी अध्यक्ष। दूसरा है, इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली। ये दोनों ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित है, जो उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, जो ये नया आयोग बना है उसकी। एक एक करके देख लेते हैं दोनों में क्या लिखा है। इसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेंगे स्थायी अध्यक्ष। इसमें यह है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को स्थायी सदस्य और जो इसके सेक्रेटरी है, स्थायी सचिव, ये मिलेंगे अभी। अब पहले क्या था कि यह आयोग बना, यूपीएचएससी था, उसके बाद ये नया आयोग बना है वो अब नहीं है, उसको इसी में मर्ज हुआ है। ये सारे एग्जाम अब यही करवाया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी निकला हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर 51, उससे रिलेटेड हम इसमें बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव आ गया था तो आचार संहिता लग गई थी, तो इन्होंने कार्यवाहक अध्यक्ष और जो कार्यवाहक सचिव है उसकी नियुक्ति कर दी थी। अब आचार संहिता रही नहीं है, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट इसके लिए जो परमानेंट अध्यक्ष है या सचिव है इसके लिए इन्होंने पहले ही एडवर्टाइज कर रखा है। और ये कहा जा रहा है इसमें, देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित किए जाने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। नए आयोग के गठन के बाद सभी 12 सदस्यों की नियुक्तियां भी हो चुकी है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो जितने मेंबर हैं 12 मेंबर, ये सब इनकी नियुक्ति हो चुकी है। सदस्यों की नियुक्तियां होने के बाद लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लागू हो गई थी, जिसकी वजह से स्थायी अध्यक्ष, स्थायी सचिव और स्थायी उप सचिवों की नियुक्तियां फंस गई थी। आचार संहिता अब समाप्त हो चुकी है। समाप्त होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 4 उप सचिवों की स्थायी नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। आयोग को जुलाई के पहले सप्ताह तक ये 4 नए उप सचिव मिलने की उम्मीद है। वहीं आचार संहिता के दौरान शासन ने कार्यवाहक अध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति कर दी थी, ताकि आयोग के काम में कोई बाधा ना आए, रूटीन वर्क चलता रहे। तो एक तो ये अपडेट है कि इसको अब टेम्परेरी जो चेयरमैन लगा रखा था, अब परमानेंट चेयरमैन इसमें मिलने वाले हैं। दूसरा क्या है, इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली। तो देखिए, इस नियमावली से जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 है यूपीएचएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसका कोई लेना देना इतना है नहीं, क्योंकि वो तो जो पहले के रूल रेगुलेशन है, जो पहले की गाइडलाइंस है, जो पहले की नियमावली है, उसी के तहत ही एग्जाम होना है। उसमें तो नए नियमों के अकॉर्डिंग होगा नहीं, क्योंकि उसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब अगर कोई नए फॉर्म भरे जाते हैं तो हो सकता है उसके लिए कोई शॉर्ट टाइम के लिए विंडो ओपन कर दी जाए, जिसकी पूरी पूरी संभावना है वापसी। इसमें है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2 हफ्ते में प्रस्तावित जो नियमावली है उस पर आयोग अपनी मुहर लगा सकता है। इसके बाद जून के अंत तक, इसी महीने के अंत तक, इसे शासन से मंजूरी मिलने के आसार है। ये गवर्नमेंट लेवल की बात हो रही है। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। तो ये इनकी जो नियमावली बन जाएगी 2 हफ्ते में, इसके बाद ये जो भी ये नई वैकेंसी निकालेगा उसके बाद ही निकालेगा। ये तो हो रही है, नई वैकेंसी आएगी उसके बारे में। 2 शिक्षक भर्तियां 2 वर्षों से लंबित पड़ी है। इनमें अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के हैं, ये 4000 के आसपास पोस्ट वैकेंसीज, और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1000 पदों पर भर्ती शामिल है। 1017 एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की ही है। हालांकि दोनों भर्तियों के विज्ञापन पुराने हैं, इसलिए उसी के तहत ही करवाने की तैयारी। हाँ बिल्कुल, ये पहले जो नियम बने, पहले के जो थे उन्हीं के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित किए जाने के कारण कुछ औपचारिकताएं बाकी है, पूरी होनी है। इसके लिए नई नियमावली का इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं कुछ दिनों पहले लखनऊ में सीएम ने, ये चीफ मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ बैठक कर भर्तियां शीघ्र शुरू करने के कड़े निर्देश दिए हैं, जिससे शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भर्तियां जल्दी शुरू करने का दबाव भी है।
हालांकि नई नियमावली तैयार शुरू होने तक भर्तियां शुरू नहीं की जा सकती, क्योंकि जो नई वैकेंसी आएगी वो तो नई नए जो गाइडलाइंस है, नए रूल्स होंगे उन्हीं के तहत आएगी। इससे एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 का नहीं, आयोग ने बीते दिनों नियमावली बनाने के लिए कमेटी का भी गठन किया था, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और कमेटी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि कमेटी 2 सप्ताह के भीतर प्रस्तावित नियमावली आयोग को सौंप सकती है। इसके बाद आयोग की बैठक में नियमावली पर मुहर लग जाएगी और फिर अंतिम मंजूरी के लिए नियमावली शासन को प्रेषित की जाएगी। शासन स्तर से नियमावली को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियां शुरू कर सकेगा। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर चुके तकरीबन 1 लाख अभ्यर्थी और टीजीटी पीजीटी के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को 2 साल से इस परीक्षा का इंतजार है, और ये है नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने के बाद शुरू हो सकेगी नई भर्ती। तो देखिए इसमें यह है, एक तो दो चीजें हैं, जो पहले से वैकेंसी निकली हुई है वो, और दूसरा जो नई वैकेंसी आने वाली है उसको लेके। तो जो नई वैकेंसी है उसके लिए गाइडलाइन चाहिए, 2 हफ्ते में तैयार होने की है, 2 हफ्ते में तैयार हो जाएंगी, फिर उसके बाद ये इनको मंजूरी मिल जाएगी। अब इसमें आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही सुनने में आ रहा है कि अब इसमें ज्यादा डिले नहीं होगा, डिले होने कोई वजह भी नहीं है। पहले तो ये था कि चलो उसको उसको खत्म कर रहे थे, नया आयोग बना रहे थे, इसलिए उसमें टाइम लगा है, लेकिन अब इन पे प्रेशर भी है, गवर्नमेंट पे भी और आयोग पे भी, और काफी सारी वैकेंसीज है जिनका टाइम पे एग्जाम नहीं हो रहा है, तो अब इनका जिम्मेदारी भी है और ये इनको मालूम भी है कि एग्जाम करवाने हैं, तो इसमें उम्मीद है कि ये जल्दी ही इसको शुरू करवाएंगे। आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। और भी कोई क्वेरी है कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको UPSSC के नाम से अलग ही सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे जाइए, नेम चैनल नेम पे क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ अलग से ही इसके लिए प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सारे वीडियोज मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह अवेलेबल है। वेबसाइट पे जाके myupsc.in पे जाके भी आप डिटेल चेक कर सकते हैं टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए। और भी कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।